भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। आइए सुनते हैं गीता का वो एक उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। कर्म वणे वादी के रास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते षड्गो स्वस्य कर्मणि। इसका अर्थ है कर्मण्य का अर्थ है कर्म करना, कर्तव्य का या कर्तव्य करना, एवं का अर्थ है मात्र अधिकार, ते का अर्थ है आपका, कर्म फल यानी कर्म का परिणाम या फल, हेतु का अर्थ है कारण या आपकी इच्छा, भू का अर्थ है होना, संग का अर्थ है साथ जुड़ा हुआ, अस्तु का अर्थ है होने देना और आक्रमणी का अर्थ है कर्म ना करना। यानी इसका अर्थ है आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन का अधिकार करना चाहिए, लेकिन आप कभी कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्म फल देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। कर्म फल की अपेक्षा से आप कभी कर्म नहीं कर सकते और ना ही कर्म फल की अपेक्षा से आप कभी कर्म करें, न ही आपकी कभी कर्म न करने की प्रवृत्ति हो, आपकी हमेशा कर्म करने में प्रवृत्ति हो।